हे गाइस, इट्स मी रोहित। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सएप का फिंगरप्रिंट की फीचर्स के बारे में। तो ये अपडेट कल ही लॉन्च किया था सुबह में। सो पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर देता हूँ कि जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करे, और जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करे, क्योंकि आज इस वीडियो में जो फिंगरप्रिंट फीचर्स है वही इस फीचर्स काम करेगा जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन हो। क्योंकि भाई बाद में गाली मत देना कि तेरा वीडियो कोई काम का नहीं है। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दोनों का ही दिखा दूंगा, बिना फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट के फीचर्स। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो मेरा सब्सक्राइबर है वो भी चेक कर लेना कि आपका बेल आइकन ऑन है या नहीं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो गाइज मैं पहले दिखाऊंगा जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन नहीं है उसका फीचर्स क्या होगा। तो पहले आपको व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी अपडेट है, यहाँ पर देख लो कि अपडेट नहीं है और फोन नहीं है, उसका फीचर्स देख लेते हैं कि वहाँ पर जाके क्या फीचर्स है। तो पहले यहाँ पर फीचर्स पर जाएंगे, जाने के बाद सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स पर जाने के बाद अकाउंट, अकाउंट पर जाने के बाद प्राइवेसी, प्राइवेसी आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे वाला, यहाँ पर देख रहे हो कि नीचे सबसे नीचे नीचे जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन एनेबल रहता है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये फ़ोन है ये फ़ोन फिंगरप्रिंट वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई शो नहीं कर रही है, फिंगरप्रिंट एनेबल का ऑप्शन कोई शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन नहीं है तो ये कोई फिंगरप्रिंट आपको एनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और जिसका पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन है उस फ़ोन में आपको क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं पहले आ जाऊँगा प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर देखूँगा कि व्हाट्सअप अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पर अपडेट है, तो यहाँ सिंपली से इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद वही सेम फीचर्स है जहाँ पर जब क्लिक किया था व्हाट्सअप की। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे, पहले सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट पे जाइए, अकाउंट पे जाने के बाद प्राइवेसी, और सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जिसका फिंगरप्रिंट लॉक है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑन करने के बाद ये फिंगरप्रिंट आपका देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, तो सिंपली से यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट दे देना है। देने के बाद यहाँ पर देख रहे हो कि आपको बोला कि आपका फिंगरप्रिंट जो आप दे रहे हो तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली खोलना चाहिए कि आपका एक मिनट बाद कि दो मिनट बाद खोलना चाहिए। तो आप इमीडिएटली को सेट कर लेने के बाद यहाँ पर हो गया आपको, फिर से इसको हो गया, देख रहे हो कि हो गया इमीडिएटली। तो यहाँ पर फिर से मैं बैक कर देता हूँ, सिंपली से इसको बैक कर देने के बाद मैं फिर से व्हाट्सएप पर ओपन करने के लिए आऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली से बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद फिर से मैं व्हाट्सएप पर आया, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली से अपना जो फिंगरप्रिंट है तो मैं ऐसे दे देता हूँ, जैसे दे दूँगा तो यहाँ पर इमीडिएटली ओपन हो चुका है गाइस। इस तरह से आपका अपना जो व्हाट्सएप है फिंगरप्रिंट, अगर आपका मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो आप इस तरह से व्हाट्सएप की फिंगरप्रिंट लगा सकती हो।